हेलो एवरीवन, माय नेम इज अनीश सिंह ठाकुर। जब से मैंने फॉरेक्स ट्रेडिंग पे वीडियो बनाया है, जब ब्रोकर आपके लिए ढूंढा है इंडियन ब्रोकर एक्सनेस, बहुत लोग की डिमांड थी कि एक्सनेस के ऊपर एक ट्यूटोरियल बना दो। सो हियर इट इज, वी हैव द वीडियो नाउ। इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन किया जाएगा कि एक्सनेस में कैसे डिपॉजिट विदड्रॉ करते हैं, ठीक है, इसका टर्मिनल कैसे यूज करते हैं, एमटी फोर्स इंटीग्रेट कैसे करते हैं, कहां से क्या नंबर वगैरह देख के आप उसको ऐड करना है। इनका खुद का वेब पोर्टल है जिसके थ्रू हम ट्रेड कर सकते हैं विदाउट एमटी फोर भी, वो भी बहुत बढ़िया है, उसको एक्सप्लेन किया गया है। और भी बहुत सारी चीजें एक्सप्लेन की गई है आपको कि जैसे ही टाइमिंग्स क्या होती हैं और छोटी छोटी बहुत सारी चीजें हैं जो आपको बहुत काम आएंगी। तो जितने लोगों को भी एक्सनेस यूज करना सीखना था, ये वो वीडियो है जहां पे आपको सारी चीजें एक्सप्लेन की जाएंगी। ऑलराइट, सो आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो। थैंक यू। ऑल राइट गाइज, वेलकम टू दिस वीडियो। माई नेम इज अमन एंड इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कैसे आप एक्सनेस पे अपना फॉरेक्स अकाउंट खोल सकते हो, कैसे आपको डिपॉजिट करना है और कैसे आप उनका टर्मिनल यूज करके ट्रेड भी कर सकते हो। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले आप गूगल करोगे एक्सनेस तो ये पेज खुल जाएगा। यहाँ पे आपको दिख रहा है ये xness.com, ये इनकी वेबसाइट है। ये ओपन करोगे तो यहाँ पे सबसे पहले आप देखो न्यू अकाउंट, न्यू अकाउंट में आपको ऐसे इन्फो अपनी भरनी है, यहाँ पे ये आपको टिक करना है, कंटिन्यू करोगे, नेक्स्ट ऐसा कुछ टर्मिनल खुल जाएगा। अब ये मैं आपको आगे वीडियो में समझाऊंगा, पहले हम आते हैं पर्सनल एरिया पे। इस पर आप क्लिक करोगे तो ऐसा एक टैब खुल जाएगा। अब यहाँ पे आप देखो कि हाउ कैन यू ट्रेड ऑन रियल अकाउंट्स। अभी क्योंकि ये अकाउंट वेरीफाइड नहीं है तो आपको बिकम अ रियल ट्रेडर पर क्लिक करना होगा, ये सब मैं आगे समझाऊंगा। इस पर आप क्लिक करोगे तो नेक्स्ट पेज ऐसा खुल जाएगा जिसमें आपको ये सारे स्टेप्स, बस सेंड मी कोड पे क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट ऐसा आएगा। आपको मेल चेक करके आपका कोड डालना है, फ़ोन भी ऐसे वेरीफाई कराना है एंड पर्सनल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करके नेक्स्ट करते जाना है। बस एक बार ये आप प्रोसेस कर लोगे तो आपका अकाउंट वेरीफाई हो जाएगा। गाइस, अगर आपको जानना हो कि एक्सनेस में आप क्या ट्रेड कर सकते हो, जैसे कि 107 करेंसी पेयर्स हैं, स्टॉक्स हैं, क्रिप्टो करेंसीज हैं, मेटल्स हैं, तो आपको सिंपली इनकी वेबसाइट पर यहाँ ट्रेडिंग पर क्लिक करना है एंड कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकेशंस में आप देख सकते हो। लेवरेज के बारे में पढ़ना है तो लेवरेज रूल्स में एंड ट्रेडिंग आवर्स का इसमें। जैसे सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकेशंस में पूरी लिस्ट अवेलेबल है, मेटल्स, मेजर पेयर्स, देन क्रिप्टो कौन से पेयर्स ट्रेड कर सकते हो। यहाँ से आपको पूरा आइडिया लग जाएगा कि एक्सनेस में क्या अवेलेबल है। देन लेवरेज वाले पेज पे आपको, आप यहाँ अपना अमाउंट, स्टार्टिंग अमाउंट डाल सकते हो एंड आपको पूरा आइडिया लग जाएगा कि आपका अकाउंट साइज़ के हिसाब से आपको कितना तक लेवरेज एक्सनेस प्रोवाइड कर रहा है। देन ट्रेडिंग आवर्स आपको चेक करना है तो फॉरेक्स मार्केट आवर्स, समर ट्रेडिंग आवर्स, विंटर ट्रेडिंग आवर्स, ये पूरी इंफॉर्मेशन, हॉलीडेज कब होती है फॉरेक्स मार्केट में, सब कुछ यहाँ से मिल जाएगी। तो ये एक्सनेस की वेबसाइट पर आप पूरा ट्रैक कर सकते हो, जो कि मुझे काफ़ी अच्छा लगा। ऑल राइट गाइस, सो अभी 10 मिनट्स मैंने वेट किया है एंड देन अब देखते हैं अकाउंट वेरीफाई हुआ है कि नहीं, जैसा वहाँ पे लिखा था। तो अभी यहाँ पे अब मैं xness.com पर आकर साइन इन पर क्लिक करूँगा, ये पेज आएगा, यहाँ पे लॉगिन आईडी पासवर्ड डालूंगा, ईमेल एंड पासवर्ड, देन कंटिन्यू करूँगा तो नेक्स्ट ये पेज खुल जाएगा। अब आप यहाँ पर ओके, नाइस, अब आप यहाँ देख सकते हो योर डॉक्यूमेंट्स हैव बीन सक्सेसफुली वेरीफाइड। सो ये मुश्किल से 10 मिनट लगे और वेरीफाई पूरा हो गया है, क्योंकि मेरे डॉक्यूमेंट्स क्लियर थे, कुछ प्रॉब्लम नहीं था। तो इस बात का ध्यान रखना जब भी आप अपलोड कर रहे हो, जो भी आप फिल कर रहे हो फॉर्म, तो सब कुछ करेक्टली भरना ताकि कुछ एरर ना आए। अब समझते हैं इनका पर्सनल एरिया। सबसे पहले आप देखो माई अकाउंट्स, इसके अंडर में आपको दो कैटेगरीज दिख रही हैं, डेमो एंड रियल। रियल में आपका ये अकाउंट है, इसमें आप यहाँ से डिपॉजिट विड्रॉ कर सकते हो, ट्रेड क्लिक करोगे तो टर्मिनल खुल जाएगा, वो मैं आगे दिखाऊंगा। सेटिंग्स पे क्लिक करके आप ट्रांसफर फंड्स कर सकते हो। सपोज यहाँ पे ये एक अकाउंट है, आपको एमटी फोर में भी खोलना है, किसी से आपको इंट्राडे करना है, स्विंग करना है, ओपन न्यू अकाउंट्स करके आप यहाँ पे और ऐड कर सकते हो, तो यहाँ से ट्रांसफर कर सकते हो। देन लेवरेज क्या डिसाइड करना है आपको इस अकाउंट के लिए, निक नेम दे सकते हो, अकाउंट इन्फॉर्मेशन, फिर बाकी आर्चीव एंड पासवर्ड चेंज करना है वो कर सकते हो, ये इंपॉर्टेंट है अकाउंट इन्फॉर्मेशन। इस पे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ दिखेगा सर्वर, MT5 ऐप में जब आप यूज़ करोगे और मे बी MT4, तो आपको ये सर्वर में सेलेक्ट करना होगा, लॉगिन में ये डालना होगा एंड प्लस जो आपका पासवर्ड है, बस यहाँ पे ये इन्फो यूज़ किया। नेक्स्ट हम देखते हैं डिपॉजिट, डिपॉजिट यहाँ से भी कर सकते हो और इधर से भी, डिपॉजिट एंड विड्रॉ ये सेम ऑप्शंस हैं। बस यहाँ से ये होता है कि आपको किस में सेलेक्ट करना है, डिपॉजिट इसमें आओगे
तो आपको पहले अकाउंट सेलेक्ट करना होगा कि डेमो है या रियल है, रियल में कोई दूसरा अकाउंट है। डायरेक्ट यहाँ से आप डिपॉजिट क्लिक कर सकते हो। डिपॉजिट पर क्लिक करोगे तो आपको ये पेज खुल जाएगा। यहाँ पे सारे ऑप्शंस हैं, आप खुद रिसर्च करके जो भी आपको कंफर्टेबल लगे आप वो यूज़ कर सकते हो। देन विड्रॉ पे अगर यहाँ पे क्लिक करेंगे तो विड्रॉ में भी ये सारे ऑप्शंस हैं जिससे आप विड्रॉ ले सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे और ऑप्शंस हैं, ये आप खुद चेकआउट करो। सेटिंग्स, मॉनिटर, एनालिटिक्स, ये सब बेसिक चीज़ है। नेक्स्ट हम समझते हैं वेब टर्मिनल जो इनका है उससे कैसे आप ट्रेड कर सकते हो। तो आपको यहाँ राइट में आना है एंड एक्सनेस टर्मिनल पे क्लिक करना है। ऑल राइट, सो अब देखते हैं हम एक्सनेस का टर्मिनल कैसे यूज़ करना है। काफ़ी सिंपल इजी इंटरफेस है। सबसे पहले राइट में यहाँ पर है डिपॉजिट का ऑप्शन, यहाँ पे आप अपना अकाउंट सेलेक्ट कर सकते हो। फिर यहाँ पे जिसमें आपको ट्रेड करना है वो सेलेक्ट करना है, जैसे ये अभी यूरो, यूएसडी, ये सब सेलेक्टेड है। यहाँ मुझे ऐड करना है तो यहीं पे सिंपल क्लिक करके मैनुअली टाइप कर सकता हूँ, या फिर कैटेगरी में को अगर ये क्रिप्टो में ट्रेड करना है तो क्रिप्टो पे क्लिक करके उसकी लिस्ट देख ली, यहाँ से भी सेलेक्ट कर सकता हूँ, तो ये काफ़ी ईजी है। देन लेफ्ट में आप देखोगे तो पोर्टफोलियो, इसमें आपको सारी आपकी ओपन पोजीशंस, लिमिट ऑर्डर अगर पेंडिंग है तो वो दिख जाएगा। हिस्ट्री में आपको क्लोज पोजीशन ट्रांजैक्शन जो है वो दिख जाएगा। मेटा ट्रेडर ये आपको डाउनलोड करना है या पर्सनल एरिया पे जाना है, यहाँ से जा सकते हो, ये भी डायरेक्ट ऑप्शन है। देन ये बेसिक सपोर्ट एंड लॉगआउट, इसको भी बंद कर देते हैं। अब राइट, अब इसमें देखते हैं ऑर्डर कैसे प्लेस करना है। तो राइट में आप देखो यहाँ ऑप्शन है मार्केट, अगर आपको मार्केट ऑर्डर प्लेस करना है तो ये मार्केट सेलेक्ट करना है। यहाँ पे आपको अपना लॉट साइज सेलेक्ट करना है, देन ऑटो क्लोज पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप टेक प्रॉफिट एंड स्टॉप लॉस डाल सकते हो। ये सारी डिटेल्स फिल करने के बाद आप बाय और सेल क्लिक कर सकते हो। अब सपोज आपको मार्केट नहीं, आपको पेंडिंग ऑर्डर लगाना है, तो यहाँ मैं पेंडिंग पे क्लिक करूँ, देखो यहाँ पे लाइन आ गई है। यहाँ पे मैं प्राइस डाल सकता हूँ, मुझे कहाँ पे एंटर होना है, यहाँ पे डाल सकता हूँ लॉट साइज, देन अगेन टेक प्रॉफिट एंड स्टॉप लॉस। जब ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा तो उसके बाद ये ऑर्डर लग जाएंगे, एंड देन जो भी मुझे बाय या सेल करना है। तो सपोज मैं ये लाइन को पकड़ के भी मुझे ये रेजिस्टेंस ब्रेक पे एंट्री लेनी है तो मैंने यहाँ पे छोड़ दिया एंड देन बाय कर दूँ, तो मार्केट इज क्लोज है अभी इसलिए ऑर्डर लगा नहीं तो लग जाता, एंड यहाँ पोर्टफोलियो में मुझे दिखाता पेंडिंग ऑर्डर्स में। तो सिंपल है, पेंडिंग ऑर्डर यहाँ से लगा सकते हो, मार्केट ऑर्डर यहाँ से लगा सकते हो, डिपॉजिट कर सकते हो, अकाउंट सेलेक्ट कर सकते हो। देन बाकी ये चार्ट्स की बेसिक चीज़ें, ये तो ट्रेडिंग व्यू अगर आपने यूज़ किया तो आपको पता होगा, नहीं तो आप इसी चैनल पर ट्रेडिंग व्यू ट्यूटोरियल भी देख सकते हो एंड यहाँ से लॉग आउट कर सकते हो। सो दैट्स इट गाइस, आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू।